जी नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे और यहाँ पे 12 बज गया, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे आ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं कैसा गया एग्ज़ाम। बहुत ही अच्छा गया है। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन पिछले बार से मिलता जुलता ही है। अच्छा, कुछ विशेष अंतर नहीं है। EVS का कैसा था? EVS का लगभग 8 क्वेश्चन आया था आपको, EVS के जो 4-5 का बुक है NCERT। अच्छा, कंटेंट से था। हाँ, बाकी किस जो है टाइप का था? पांच गो में 3 गो तो एक ही चैप्टर से था, जो क्या? आपका है कि ये कश्मीर की वहीदा प्रिज्म चैप्टर से 3। अच्छा, था वहीदा प्रिज्म के बारे में पूछी हुई थी। अच्छा, उसके बाद बोरा चावल जो असम का फेमस है वो पूछा था। अच्छा, और उसके अलावा भी 3-4 था और क्वेश्चन, 8 लगभग क्वेश्चन था EVS के बुक से। अच्छा, कंटेंट से था। उसके बाद पेडागोजी से? बाकी साइंस का पेडागोजी सब पिछले जैसा है ही है, और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन उससे हल्का है। अच्छा, उससे काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। हम अभी तक 127 इससे पहले भी लाए हैं। अच्छा, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन है वो पिछले बार से बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, तो पैराग्राफ कैसा है? पैराग्राफ जो बहुत ही हल्का था, एक संस्कृत, दो संस्कृत में था। एक था जो कि ये क्या कहते हैं, एक बाघ था जो मतलब नदी के किनारे बैठा हुआ था, और एक ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि कंगन ले लो भाई, और उसके जाल में फंसा करके और उसको मतलब मारने का, खाने का प्रयास किया। अच्छा, मतलब लोभी ब्राह्मण करके एक पैसेज था। अच्छा, और एक पैसेज था, दूसरा पैसेज जो था वो था क्या कि एक राजा का पुत्र था जिसको राजा पढ़ने के लिए भेजा था। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन वो वास्तविक में वहाँ पढ़ने के बदले उसको लगा राजा को कि हमारा बेटा बिगड़ गया है। अच्छा। और वो दो श्लोक आकर के बोला, वो श्लोक एग्जैक्ट याद नहीं है, वो दोनों श्लोक बताया कि ये श्लोक के माध्यम से तब जाकर के राजा अपने मंत्री सबको बुलाया, बोला कि ये कैसा था बताओ भाई, क्या मतलब, तो उसी से रिलेटेड था क्वेश्चन। मतलब दोनों पैसेज ठीक था। और CDP में किस टाइप से था? CDP में ठीक ठाक क्वेश्चन था, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, और बाकी सब नॉर्मल। कौन कौन मनोवैज्ञानिक से था? वाइगोत्स्की का था, पियाजे का था, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन था, कोहलबर्ग चोमोस्की क्वेश्चन, चोमोस्की से नहीं था, स्किनर का एक क्वेश्चन था, स्किनर का हिंदी में। अच्छा अच्छा। और जो बोलते हैं CDP हो गया, मैथ किस लेवल का था? मैथ बहुत ही आसान था, बहुत जिसको इजी से भी इजी कह सकते हैं, अगर वैसा मैथ नहीं बने तो बहुत ये है, दुर्भाग्य है। हाँ, बहुत ही दुर्भाग्य। आज इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं या इजी था? नहीं, इजी टू मॉडरेट इसलिए कहेंगे क्योंकि EVS का लगभग 7 क्वेश्चन ऐसा था जो कि अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं बनने वाला था। अच्छा अच्छा। हाँ, 7 क्वेश्चन, 8 जो कंटेंट बुक से था वो बन जाता, लेकिन क्या निपुण भारत से भी था? क्या निपुण भारत को से मतलब नहीं था, लेकिन नई शिक्षा नीति से लगभग 3 क्वेश्चन। NCF 2020 था? हाँ बिल्कुल, NCF 2020 था। हाँ, NEP 2020, NCF 2020 नहीं, NCF 2022 आया है, NEP 2020 से था क्वेश्चन, बिल्कुल था। NCF 2005 से? NCF 2005 से था, उससे तो नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा। और तो किस टाइप से था NCF 2005 से? NCF 2005 से आसान ही था क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट तो ध्यान में अब सब क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन चलिए, इस बार कितना आ जाएगा अंदाज़ा आपका? मेरा 120 से 130 के बीच होगा, अब एग्जैक्ट कितना होगा अभी कहना मुश्किल है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन क्वालिफाई इस बार भी हो जाना है? 3 बार अभी तक हो चुके हैं, तो 4th बार फेल तो का तो कहीं से कोई संभावना ही नहीं बनता। अच्छा, क्योंकि लगभग 80 बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, तो इसलिए हमको इतना पता है कि क्या होगा। कहाँ पे पढ़ाते हैं सर? मुजफ्फरपुर में ही पढ़ाते। कौन से जगह? रामबाग में पढ़ाते हैं, और एक बालूघाट में मेरा सेंटर है। अच्छा अच्छा। दो जगह पढ़ा। क्या नाम है सेंटर का? सेंटर का नाम है योर विक्ट्री टेट क्लासेज। अच्छा। हाँ अच्छा। आप टीचर हैं ऑलरेडी? हाँ, हम अभी टीचर नहीं हैं। अच्छा। हम दिसंबर 2019 में पहली बार एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा। लेकिन हाँ, अभी बनने के रेस में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। बनने के रेस में है, यानी आप प्राइवेट टीचर है, सीटेट के बच्चे। हाँ। को पढ़ाते हैं ना सर? हाँ हाँ, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं और सीटेट के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप ही मैथ पढ़ाते हैं या CDP पढ़ाते हैं, कौन सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? हम 4 या 5 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, बाकी के लिए टीचर हैं, इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए टीचर हैं अलग से। अच्छा, 4 सब्जेक्ट आप पढ़ा लेते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए दूसरा टीचर है? मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश। हाँ, बाकी CDP आप पढ़ाते हैं? मैथ बनाने वाले मैथ में CDP आप पढ़ाते हैं? हम खुद पढ़ाते हैं। EVS आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद और? CDP, EVS, हिंदी और संस्कृत भी लगभग हम ही पढ़ाते हैं। तो संस्कृत का आज का पैराग्राफ किस टाइप से था, जो कि क्वेश्चन बनाया हुआ था, पैराग्राफ से था या उससे अलग हटके था? दोनों ही, एक उसमें से NCERT से था और दूसरा भी जो था सो ऐसा था जो कि मतलब बच्चों के नज़र में आने वाला, लेकिन बनने वाला आसानी से नहीं था। क्या समानार्थी भी पूछा हुआ था? क्या नहीं, समानार्थी नहीं था। प्रत्यय पूछा था? प्रत्यय पूछा था, एक नीच प्रत्यय। अच्छा, एक नीच प्रत्यय पूछा। अच्छा, उसके बाद और ये जो हिंदी में बना हो व्याकरण से क्वेश्चन? व्याकरण से हिंदी में एक क्वेश्चन था आपका, ये
इक प्रत्यय उसमें लग रहा था, बड़ा अच्छा नाम अभी भूल रहे हैं, एग्जैक्ट उसका भूल रहे हैं, लेकिन एक इक प्रत्यय होता लास्ट में, इक होता क्योंकि इक लगा हुआ अधिकता में जैसे इक लगा होता है। हाँ, लेकिन हर्षी वाला था, उसमें एक दीर्घी वाला भी ऑप्शन था, अगर दीर्घी वाला जो बच्चा पकड़ लिया होगा उसका चला गया होगा, हर्षी और दीर्घी का उसमें फेर था। और बताइए कि जो कि सांसारिक था, सांसारिक था, हाँ उसमें। चलिए याद हो गया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार भी क्वालिफाई है इसके लिए। और अभ्यर्थी को क्या संदेश देना चाहते हैं जो उनका आगे एग्जाम है? पीछे का प्रैक्टिस करके आइए, और पीछे का प्रैक्टिस में जो पिछले बार क्वेश्चन आया है हिंदी का प्रैक्टिस, खास करके जो ऑफलाइन में एग्जाम होता था उसका प्रैक्टिस करके आइए। तो सर आप पढ़ाते हैं, तो पैराग्राफ में जो क्या ट्रिक है कि पैराग्राफ से बच्चा क्वेश्चन को पकड़ सके, कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे पकड़ना है उसको? देखिए पैराग्राफ में तो सबसे बड़ा बात है पैराग्राफ, जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा जी वो तभी जा करके बनेगा पैराग्राफ, उतना ही निखरते जाएगा। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कितना भी आप पैराग्राफ के बारे में समझते हैं लेकिन आप गलती कर जाइएगा। अच्छा, प्रैक्टिस पैराग्राफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लिए किस टाइप से क्वेश्चन है, सर ने बता दिया हमको, और आज वीडियो का पूरा एनालिसिस रहा, और जो सेकेंड एग्जाम होगा उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, धन्यवाद।